इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ अध्याय तीन, निर्धनता एक चुनौती। हम ये भाग दो पढ़ेंगे, जिसमें हम जहां से छोड़े थे उसके आगे से पढ़ना चालू करते हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण, जो ऊपर हम उदाहरण पढ़े हैं, ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता, तो वही दो कारण है। तो निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं, मतलब अनेकों प्रकार को दर्शाया जाता है कि गरीबी कैसी है, निर्धनता कैसे है। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी है और भुखमरी और आश्रय का न होना है, इसी को बोलते हैं निर्धनता। जिसको खाने के लिए पैसा नहीं हो, जिसको रहने के लिए घर नहीं हो, वही निर्धन है, बाकी सब अमीर है, बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भी नहीं भेज पाते, या कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वास्थ्य, जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, इसी में निर्धनता का अभाव होता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है, और जो इसका समझ लो अर्थ जो भी है, निर्धनता का अर्थ समझ लो यह भी इसमें आता है कि रोजगार की कमी है और न्यूनतम शालिता स्तर का अभाव है। और यहाँ पर शिक्षा भी वैसा नहीं दिया जाता है ना, शालीनता अगर मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो हर चीज को मुमकिन किया जा सकता है, हर को मोटिवेट किया जाए ना, हर किसी को मोटिवेट और उनको डिसिप्लिन में रखा जाए, अनुशासन में, तो उनको पिछाड़ना कोई कोई नहीं पिछाड़ सकता, मतलब उसको गिरा देना, उसको हरा देना किसी के बस में नहीं होता है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना, और इसका साफ अर्थ यही होता है कि बिना सहायता के अपनी जिंदगी को जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। अब मैं एग्जांपल अपने लाइफ से देता हूँ, खेतों में भी होता है, मैंने खुद अपने आंख से देख चुके हैं। कारखानों में तो आप सब जानते हो कि लेबर के साथ कैसा सदव्यवहार किया जाता है, सरकारी कर्मचारी में जो काम करवाने जाते हैं उनको कितना लाइन लगना पड़ता है, ये सब जानते हैं। उसके बाद से आता है अस्पताल, अमीर जाएगा तो उसका इलाज पहले होता है, लेकिन गरीब जाता है तो उसका इलाज पहले नहीं होता है। अमीर जाता है तो उसकी भर्ती होती है, इलाज होता है, बाद में पैसा लिया जाता है, लेकिन वही गरीब जाता है तो पहले पैसा का डिमांड करके फिर इलाज होता है। ये कटु सत्य है हिंदुस्तान की अपनी, कोई भी अस्पताल में चले जाओ, पैसा है तो अस्पताल में इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, आपको लाइन नहीं लगना पड़े तो मेरा नाम बदल दियो। गिने चुने 10 रेलवे स्टेशन को छोड़ दो, भारत के 10 स्टेशन को छोड़कर 2023 में एक भी स्टेशन का नाम बता दो 10 को अलावा। 10 का नाम मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र में कुछ है, उसके बाद से आप चलो रानी कमलापति, और कुछ मेट्रो स्टेशन भी हैं, और उसके अलावा कोई भी स्टेशन नहीं है जिस पर आपको लंबी लाइन ना लगाना पड़ा हो। और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार तो उनके साथ होता है, कहाँ नहीं होता है, रोड पे, तालाब पे, नदी पे, शमशान में, मंदिर में, मंदिर के साथ मेला में, स्कूल में, स्कूल के साथ चले जाओ तो अस्पताल में तो होता ही है, नाम तो दे ही दिया है, पार्क में, और उनके निर्धन जीवन पे हर तरफ से उनको दुर्व्यवहार का सहारा झेलना पड़ता है। आप जिंदगी में बहुत खुशनसीब हो कि आपको बहुत कुछ मिला, उसका फायदा उठाओ। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता, कोई भी गरीबी में जीना नहीं चाहता। पैदा हम जरूर गरीबी में लिए हैं, लेकिन गरीबी में साला मरेंगे नहीं, ये सोच कर हमेशा चलना, जिंदगी तुम्हारी हमेशा ऊपर रहेगी हर किसी से। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की भी सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही, और करोड़ों लोगों को दैनिक निर्धनता से बाहर निकलना भी ये आजाद भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थ में तभी आजाद होगा जब
यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय अवस्था से मुक्त होगा। भारत सही मायने में तभी आजाद होगा, कब आजाद होगा, जब हर व्यक्ति निर्धनता रेखा से, निर्धन व्यक्ति के मानवीय स्तर से ऊपर हो, मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, तभी भारत आजाद हो सकता है, नहीं तो भारत आजाद नहीं है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता और सामाजिक और वैज्ञानिकों के दृष्टि से निर्धनता कैसे साबित होता है, जिसके बारे में हम देखते हैं। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, गरीबी के अलग अलग प्रकार हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे, मतलब जो सामाजिक, समाज में जो वैज्ञानिक घूमते रहते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, कमाई और खाने और उसका इस्तेमाल करने से संबंधित हैं, उसी पर ये डाटा बनता है, मतलब ये सूचना पत्र बनता है, चाहे कोई भी पत्र बनता है तो कमाई और उसके उपयोग खाने पीने पर ही बनता है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर और कुपोषण के कारण, अब निर्धनता रेखा जो भी है उसको शिक्षा के कारण, उसके बाद से भी आता है कुपोषण के कारण, देखते हो पोलियो हो जाता है किसी बच्चा का, ऊपर का शरीर ठीक है, नीचे का शरीर गड़बड़ है कि नहीं, किसी का एक हाथ मोटा है, एक हाथ पूरा पतला है, एक तरफ का मुंह फूला है, एक तरफ का पचका हुआ है, तो कुपोषण है। तो कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी, उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में रोजगार के अवसरों की कमी, और जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें रोजगार की कमी है कि नहीं है, सब जगह है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, हर जगह है, अस्पताल में है तो अस्पताल में कर्मचारी नहीं है। बिहार का एक न्यूज बताते हैं, एक कोई जिला है वहां पर तो सरकारी अस्पताल भी बेच दिया था सब। अब बताइए सरकारी अस्पताल को ही बेचा जा सकता है, लेकिन सब कुछ हो सकता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा माध्यम है जहां पर कुछ भी हो सकता है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक समूहों के माध्यम से भी देखा जाता है। अब यहाँ पर है पीने वाले पानी भी नहीं मिलता है और हर जगह पे साफ सफाई भी नहीं है, जिसके वजह से समाज में कितनी बीमारी फैलती है जिसका भरपाया कोई भी अमीर नहीं कर सकता है। हम गारंटी ठोक कर कह सकते हैं कि अमीर लवंडा एक दिन गरीबों के झुग्गी बस्ती में रह के दिखा दे तो नहीं बीमार हो गया ना, एक दिन गरीबों का खाना खा के दिखा दे, नहीं बीमार हो गया है तो नाम बदल दियो, उस दिन से हम क्या बोलूं, मैं कुछ तो ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि जो नहीं कर सकता। और अपने देशवासियों को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, देशवासियों के लिए हम अपने जिंदगी को कुर्बान किए हैं, करेंगे और करते आए हैं, यही मेरा नियम है, यही मेरा लक्ष्य है, आपका भी यही होना चाहिए। सबसे पहले देश, संविधान, उसके बाद से बाकी कुछ, बाकी उसके नीचे कुछ मत मानना। भारत, भारत माता, भारत का संविधान, भारत का कानून, वह भी कब, जब सब सही हो तब मानो, गलत है तो मत मानो। आगे देखते हैं, क्योंकि ये पेट है, पेट में भूख लगती है, पेट को अनाज चाहिए, भूख के वजह से ही कुछ हर कोई क्या क्या करता है। आप पढ़ रहे हो इसी पेट को शांत करने के लिए पढ़ रहे हो, बिना खाए पढ़ नहीं सकते हो, तो ये सच्चाई है। और पढ़ भी इसलिए रहे हो कि हमें कमाना है, कमाओगे तो ही आप खाओगे, नहीं कमाओगे नहीं खाओगे। जानवर नहीं होगी कोई तुमको फल ला कर दे देगा, कुछ भी ला कर दे देगा, जमाना गया। सामाजिक अपवर्जन, समाज में किस तरह बंटवारा किया गया है, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और दैनिक, यहां पर देखो निर्धनता रेखा में जो भी है उनको एक अच्छा बेहतर माहौल देना चाहिए और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से प्रवर्जित रखकर
केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अब यहाँ पर इन लोगों को जहाँ पर अच्छा हवा है, वातावरण है, वहां पर ना रहकर, वहां से हटकर इनको दूसरे इलाकों में जहाँ गरीबी का रेखा बहुत ज्यादा है, जिस वातावरण को एकदम दूषित माना जाता है, नष्ट समझा जाता है, नाली समझ लो, गटर समझ लो, वहां पर इन लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आज मुंबई का इतना बड़ा इलाका है धारावी, गरीबी का अड्डा है, धारावी में गटर है, गटर का सारा पानी धारावी के होते हुए निकलता है, धारावी में कचरा। आप चले आप दिल्ली में, दिल्ली से मेरठ के बीच में एक चेन्नई, एक आपको वहां पर एरिया आता है जिसको चांदनी चौक बोलते हैं, चांदनी चौक से सटा हुआ गटर जो आता है कहां से आता है, वहीं से आता है। हम जहां रहते हैं बिहार, बिहार के छपरा में रहते हैं, छपरा में खनवा नाला है, खनवा नाला के साइड में कौन रहता है, झुग्गी बस्ती में डालकर वही लोग रहते हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे के रेखा में रहते हैं। अगर किसी को कमाने के लिए आपको हर चीज दे दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए, तो कोई बुरा काम क्यों करेगा, कोई कचरा में रहना पसंद क्यों करेगा। और सरकार के पास इतनी पैसा होता है कि वो कचरा से भरपाया कर सके, कचरा से निकाल कर उसको अच्छा संस्कार दे सके, अच्छा इलाका दे सके। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, महाराष्ट्र गया, दिल्ली गया, और आपको केरल, कर्नाटक वगैरह सब में चले जाओ, जितने भी टाउन एरिया है वहां पर गरीबों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए जो निर्धन रेखा से कम है उनके लिए घर रोजगार सब बनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वैसे हर जगह करना चाहिए। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है, समाज का बंटवारा ही निर्धनता का एक कारण है, और परिणाम दोनों हो सकता है, और दोनों ही कारण हो सकते हैं, गरीबी और अमीरी, ये दो अहम कारण है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं। ये तरह से जो व्यवस्था बनाया गया है, मोटे तौर पर यह प्रतिक्रिया जो भी समूह समाज में है, जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, अच्छा लाभ नहीं हो पाता है, अवसर का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ये एक परिवर्तन है। क्यों है ये परिवर्तन? इसलिए है क्योंकि लोग उसको परिवर्तन किए हैं, रखे हैं, जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। और देखो, सुविधाओं, लाभों और अवसरों का इस्तेमाल वे लोग अच्छे से करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको कानून का मतलब पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है, संविधान का मतलब पता है, देश का मतलब पता है। वे क्या करते हैं, हर चीज का फायदा अच्छी से उठा लेते हैं, अच्छा से अच्छा चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर चीज को मुट्ठी में रखना जानते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण, मतलब हर चीज का उदाहरण आपको भारत में मिलने वाला है। भारत में एक जाति व्यवस्था का कार्यशैली है जिनमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है। मतलब भारत में कुछ जाति व्यवस्था ऐसे है जिसके वजह से कुछ लोगों को कुछ कामों से अलग रखा गया है। जितने भी क्षुद्र में आते थे, क्षुद्र में आ जाएंगे कितने लोग, ओबीसी एसटी एससी के लोग सारे क्षुद्र में आते थे, तो क्षुद्र में आने वाले सब लोग ये मंदिरों में नहीं जा सकते थे, ये धार्मिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे, ऐसा रीति था पहले। और बहुत सारे सामान को इन लोगों को नहीं दिया जाता था, बहुत सारे सेवाएं भी नहीं मिलती थी। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता। अब यहाँ पर है जो सामाजिक अपवर्जन वाले लोग हैं, बंटवारे वाले लोग हैं, ये बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कम अधिक क्षति पहुंचा सकता है। देखो, ये लोग उनके प्रकार में कमी नहीं लाते हैं समाज में, लेकिन ये क्षति बहुत ज्यादा पहुंचा देते हैं। जैसे मैं असुरक्षा, सुरक्षा हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब सुरक्षा किससे, परिवार में हो तो परिवार वालों से कभी कभी सुरक्षा, समाज से सुरक्षा, स्कूल में हो तो स्कूल वाले से सुरक्षा, जाति व्यवस्था से सुरक्षा, कानून से सुरक्षा, संविधान से सुरक्षा, देश से सुरक्षा, विदेश से सुरक्षा, सम्मान से सुरक्षा, सम्मान से सुरक्षा, हर तरह का सुरक्षा होना चाहिए।
अगर हर कोई निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप है, जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आ जाते हैं पिछड़ा जाति के सदस्य या विधवा शारीरिक कुछ व्यक्ति में विधवा शरीर के रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिकांश संभावना जताता है, अधिकांश संभावना बना भी रहता है। सुरक्षा हम लोगों को नहीं मिलता है। मैं खुद पिछड़ा जाति का हूँ, जाति से बताऊं तो मैं खुद पिछड़ा जाति का हूँ। मेरे से भी पिछड़े जाति, अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समुदाय, आदिवासी, विकलांग के तो बात तो छोड़ दो, उनको तो कोई सुविधा नहीं है। विधवा लोगों का अलग बात है, ये लोग अपना अलग विवाह कर लेता है। असुरक्षा का निर्धनता परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। असुरक्षा किससे? अच्छी संपत्ति ना हो, शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य से, रोजगार से, जीविका चलाने से, खाने पीने से, तो ये सब कुछ जरूरी वाले विकल्प होते हैं। इसके अलावा इसका विशेषण प्रतिक्रिया प्राकृतिक आपदाओं, इसका विशेषण में दूसरे ले लो कि कैसे पीछे हुआ जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आ जाए तो झेलता कौन है? अमीर तो झेलते नहीं है, सब गरीबों को ही झेलना पड़ता है। अत्यंत आतंकवादी जाति मामलों में इन समूहों के सक्षम विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। इनके समक्ष बहुत ही बड़े विद्यमान, मतलब एक तरह से आप समझो, भूकंप आए तो क्या होगा? भूकंप आए तो घर टूटता है। किसका घर टूटता है? जो घर कमजोर होता है। कमजोर घर किसका होता है? जो कमजोर लोग होते हैं। सुनामी आता है तो भैया ठीक है, तनी अमीरों अमीरों का घर टूटता है, लेकिन अमीर बीच में रहते हैं, सेंटर में नहीं रहते हैं ना, इसलिए वो बच जाते हैं। आतंकवाद से ज्यादा क्षति किसको है? अमीरों का है, तो भैया तुम ही लो। आतंकवाद से गरीबों को भी हानि है। जो आतंकवाद देश के बाहर से होता है उसमें गरीब भी मारे जाते हैं, जो देश के अंदर से होता है तो उसमें अमीर गरीब दोनों मारे जाते हैं। इसमें कोई ये छुपाने वाली बात नहीं होती है। आतंकवादी बारे बारे नौ वाला कहानी आपको याद होगा, जब ताज होटल में एक समय अमीर लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो बाहर के हो चाहे अंदर के हो, सबको गोलियों से भून दिया गया था। कितने बार बम विस्फोट हुआ है, राम जन्मभूमि मामले पर कितना बार दंगा फसाद हुआ है, उसमें मरा कौन है? अमीर लोग जैसे लोग मरे हैं। उसके बाद से आ जाता है, इन सारे समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर, हर चीज के आयाम बहुत बड़ा होता है, परिणाम बहुत बड़ा होता है। अतिरिक्त विशेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है, और हर चीज के सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर ही उनसे लड़ने और उनसे निपटने के बाद में बारे में सोचा जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, हर किसी के लिए, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। अब यहाँ पर फिर से देखो, वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों के उपलब्धता सीटों में कमी हो, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी होने की बड़ी संभावना हो, ठीक है, तो उसे ही निरूपण ही असुरक्षा बोलते हैं। इसी को असुरक्षा बोलते हैं, याद रखना। प्राकृतिक आपदा हो, नौकरियों में कमी हो, हमको अलग तरीके से देखा जाए, हमको अलग प्रभाव से देखा जाए, वही हमारे लिए असुरक्षा है। निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा में कौन कौन आते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम भाग नंबर 3 में। तब तक आप सबको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा मोटिवेट और आपको एग्जांपल के साथ बताया हूँ, जिसके वजह से आपको समाज के एक अहम भूमिका को समझने में मदद मिले।
मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सिलेबस का चीज पढ़ो, सिलेबस से हटकर भी पढ़ो, कि जान पाओ कि सिलेबस से हटकर हमारे लिए क्या है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।